फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गेम ऑफ इनिंग के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे WWE के मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के रसलमेनिया 34 के प्लान के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन रसलमेनिया 34 में नहीं दिखेंगे, तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कुछ समय में WWE में आतंक मचा के रखा हुआ है और उनके इस आतंक से कोई सुपरस्टार नहीं बच पाया है। रोमन रेंस, मेज, ब्रॉक लेसनर, केन, समोआ जो जैसे सब बड़े सुपरस्टार को ब्रॉन ने धूल चटाई है। ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी टाइम से यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेस में नजर आ रहे थे, बट उन्हें वहां सक्सेस हाथ नहीं लगी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस समय सबसे डोमिनेट सुपरस्टार हैं। रॉ के हाल ही में हुए PPV एलिमिनेशन चैम्बर में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 सुपरस्टार को बाहर का रास्ता दिखाया था, जो कि WWE में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अभी की बात करें तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के आतंक का शिकार इस टाइम WWE में एलायस सैमसन हो रहे हैं, बट सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए अभी तक रसलमेनिया 34 का प्लान सामने ही नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस बार रसलमेनिया 34 की ग्रैंड स्टेज पर नहीं दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह का ब्रॉन स्ट्रोमैन का कद है, उस हिसाब से उनका कोई तगड़ा अपोनेंट नहीं दिख रहा है। अब इस वीडियो में बात करूंगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बट कहा यह भी जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को ब्रॉक लेसनर वर्सेज रोमन रेंस के मेन इवेंट मैच में भी डाला जा सकता है। ये बैकअप प्लान बताया जा रहा है ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए, बट बात फिर वहीं आती है कि प्लान के मुताबिक रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने पे ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रसलमेनिया 34 में जगह दी गई है। और अगर वाकई ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस मैच में डाला जाता है और ये फिक्स है कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे, तो रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों को ही हराएंगे रसलमेनिया 34 में और चैंपियन बनेंगे, जिससे ब्रॉन स्ट्रोमैन की इस तगड़ी इमेज को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, बल्कि रोमन रेंस की इमेज को फिर खराब होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस टाइम WWE में फैंस की तगड़ी पसंद बने हुए हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोमन रेंस की इमेज रसलमेनिया 33 के बाद से ही कैसी रही है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एलिमिनेशन चैम्बर में 5 सुपरस्टार को बाहर का रास्ता दिखाया था, बट रोमन रेंस के हाथों वो हार गए, जिसके बाद फैंस काफी नाराज दिखे थे। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है जिससे ये हम उम्मीद करें कि वाकई ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस मैच में डाला जाएगा। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे बड़े सुपरस्टार को रसलमेनिया 34 की ग्रैंड स्टेज पर यूज नहीं करेगा WWE। तो सस्पेंस बरकरार है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का क्या होगा, या जो मुझे एक उम्मीद लग रही है वो ये कि कोई सरप्राइज एंट्री ब्रॉन स्ट्रोमैन का अपोनेंट हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल की ही रॉ में एक एपिसोड में हमने देखा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अलायस को मारते हुए बैक स्टेज पहुंचे थे और उनके पास कोई ब्लैक कलर की कार आके रुकी थी। तो हो सकता है उससे जुड़ी कुछ मिस्ट्री हमें देखने को मिले आने वाली रॉ में, और मैं खुद चाहता हूँ कि ब्रॉन स्ट्रोमैन दिखें रसलमेनिया 34 में और तबाही मचाएं इस ग्रैंड स्टेज पे। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसा सुपरस्टार रसलमेनिया 34 की ग्रैंड स्टेज पे ना दिखाई दे, और अगर दिखाई देगा तो उनका अपोनेंट कौन होगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल का पार्ट बने और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक यू।